फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो है थंबनेल के ऊपर। मैं आज के वीडियो में आप लोगों को कुछ ऐसे टिप्स बताने वाला हूँ जिससे आप अपने थंबनेल को काफ़ी एट्रैक्टिव बना सकते हैं और कैची बना सकते हैं। इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी जो अपना वीडियोस हम लोग जो यूट्यूब में डालते हैं तो सबसे मेन उसका अट्रैक्शन रहता है थंबनेल। जी हाँ व्यूवर्स, अगर आपका वीडियो अगर देखेगा तो वो थंबनेल से ही पहले पता कर लेगा कि आपका वीडियो कैसा है कैसा नहीं है। तो आजकल जैसा आप लोग जानते हैं कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि थंबनेल जिसको नहीं बनाने आता है, बड़े बड़े क्रिएटर क्या है कि थंबनेल किसी और से बनाते हैं। बात तो सही है। और जो छोटे क्रिएटर हैं उन्हें थंबनेल बनाने का आइडिया नहीं रहता है और वो अपना थंबनेल सही से नहीं बना पाते हैं। बात तो सही है, दौड़ना तो पड़ता है। तो आज का ये वीडियो उसी के ऊपर है। उन लोग छोटे जो क्रिएटर्स हैं उनके लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ कि वो अपना थंबनेल कैसे बनाएंगे। इसमें मैं आपको कुछ टिप्स बताता हूँ, आप वो टिप्स को फॉलो कर आप अपना थंबनेल बनाइए तो देखिएगा आपका थंबनेल के वजह से आपका जो वीडियोज पे व्यूज है वो बढ़ने लगेगा। तो फ्रेंड्स, पहला जो टिप है आपको अपना थंबनेल एकदम सिंपल रखना है, काफ़ी जंबल टाइप का नहीं रखना है। मतलब कि जैसे क्या है कि अपने थंबनेल में ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, जो एकदम सिंपल वर्ड में आप जो लिख सकते हैं वो लिखिए। जिस चीज़ के बारे में जिसके ऊपर आप वीडियो बना रहे हैं वो वीडियो के बारे में आप अपना एक थंबनेल पे सिंपल में ही डिस्क्राइब कीजिए। उस में अगर आपको थंबनेल के अंदर आपको वो फोटोज डालना है अपना तो आप अपना फोटो डाल लें, लेकिन वो फोटो के ऊपर क्या है आपका उस हिसाब से वो एक्सप्रेशन होना चाहिए कि आपका जो वीडियो है वो क्या, अगर सुख हैप्पीनेस का है तो हैप्पी फेस रहना चाहिए। अच्छा ठीक है। अगर कोई शॉकिंग का है तो शॉकी फेस रहना चाहिए, अगर सैड के ऊपर है तो सैडी फेस रहना चाहिए। तीसरा जो है आप लोगों को जो ध्यान रखना है वो है आपका कलरिंग। जी हाँ, थंबनेल में जो कलरिंग का है वो काफ़ी अहमियत रखता है। अगर आपका जो थंबनेल कलर से परफेक्ट नहीं रहेगा तो क्या होगा, आपका वो थंबनेल अट्रैक्टिव नहीं रहेगा, कैची नहीं रहेगा। तो आप ज़्यादातर क्या करें कि डार्क कलर यूज ना करें। अगर आप डार्क कलर यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपका जो लिखा हुआ टेक्स्ट रहता है वो उसमें छिप जाता है। आप ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि लाइट कलर और एट्रैक्टिव कलर ही आप कोशिश कीजिए अपने थंबनेल में डालने के लिए। चौथा पॉइंट क्या है फ्रेंड्स कि अगर आप जो वीडियोस बना रहे हैं वो उस वीडियोस में आपके जो क्लिप है वो क्लिप से रिलेटेड आपका फोटोज आप थंबनेल में प्रोवाइड करते हैं तो वो बेटर रहता है। उससे भी आपको ऑडियंस को पता चलता है कि आपका इस वीडियोस में क्या चलने वाला है, उन लोगों को क्या देखने को मिलेगा, वो उन लोगों को आपके थंबनेल से ही पता चल जाता है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि ये छोटे छोटे टिप्स आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और दूसरों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि जो छोटे क्रिएटर्स हैं उन लोगों को ये पता चले कि अपने थंबनेल्स में किस टाइप से बनाना है, क्या क्या बातों को ध्यान में रखना चाहिए और अपने थंबनेल्स के द्वारा व्यूअर्स को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अपने अगले आने वाले वीडियोस में यूं ही कुछ अच्छे टिप्स के साथ।